अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरह बना और उसके बाद पॉपुलेशन किस तरह बनी, फिर कम्युनिटी बनी और उसके बाद जाके ये जो पूरा होल बायोस्फेयर है किस तरह बना। मतलब ये जो लेक्चर है इसमें होल ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें ऑल टू ऑल ह्यूमन के बारे में बताया कि ह्यूमन ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों से मिलके जो है एक ऑर्गेनिज्म, एक होम ह्यूमन जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस किन चीज़ों से मिलके जो है एक ह्यूमन बना या एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बना। उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से। मैं आपको बता दूं कि जो एटम्स हैं, एटम्स और बायो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनती है, जो मॉलिक्यूल है उनकी बायो मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से बनती है ऑर्गेनेली, और जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं और ये जो ऑर्गेनेलीज आपस में अरेंज होती हैं तो वो एक सेल बना देती है। जब सेल आपस में अरेंज होते हैं सिमिलर सेल तो वो टिश्यू बना देते हैं, जब वन और मोर टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं, मोर देन वन टिश्यू, तो वो ऑर्गन बना देते हैं, और जब ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक इंडिविजुअल बन जाता है, जैसे कि एक ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जब वो इंडिविजुअल, सेम टाइप के इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बना देते हैं, सेम टाइप के इंडिविजुअल, मतलब एक ही किस्म के इंडिविजुअल, चाहे वो ह्यूमन्स की पॉपुलेशन हो, चाहे वो प्लांट्स की पॉपुलेशन हो, चाहे वो एनिमल्स की पॉपुलेशन हो। और फिर जब जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलेंगी तो वो एक कम्युनिटी लेवल बना देंगी, और जब डिफरेंट कम्युनिटी मिलेंगी आपस में तो वो बायोस्फीयर बन जाएगा, मतलब ये होल अर्थ, इस दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, मतलब प्लांट्स की कम्युनिटी, प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस इनकी कम्युनिटी मिली, और फिर जो अर्थ में है, अर्थ की जो होल अर्थ का पार्ट है जिसपे ऑर्गेनिज्म इनहेबिटेट कर रहे हैं उसको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से के सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल में क्या है। तो इसमें ये है कि जो सारे ऑल टाइप ऑफ मैटर्स है ना वो बने हैं एलिमेंट से, और जो एक एलिमेंट है उसके अंदर होता है एक एटम, और जो एटम है वो मिलके बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से। एटम क्या है, एटम के जो सेंट्रल पार्ट है वो होता है न्यूक्लियस, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनसे मिलके एटम बना है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो सेल के, वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं, और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे होते हैं उसी से पता चलता है कि एटम कितना के रिएक्टेबल है, किस तरह दूसरों से रिएक्ट कर सकता है, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पता चलता है। तो ये तो हो गया सब एटॉमिक लेवल हमारा। जो एटॉमिक लेवल है, जैसा कि जो नेचुरली जो एलिमेंट्स हैं वो 92 एलिमेंट्स हैं नेचुरली, जो कि अक्कर हैं दुनिया में, जो है टोटल 92 एलिमेंट्स हैं। सो जो जो इंसान की बॉडी है वो टोटल 16 एलिमेंट्स से मिलके बनी है, जिसमें इंसान की बॉडी में 16 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इन एलिमेंट्स को कहते हैं हम बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो इंसान के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे इंसान का जिस्म मिलके बना है, वो जो एलिमेंट्स हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से यहाँ पे डिस्कस किया है अबाउट उन 16 एलिमेंट्स के बारे में कि वो 16 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जैसे कि जो पहले जो है, पहले रो में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी जो के बॉडी में ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, और कुछ जो नीचे एलिमेंट्स हैं जो के सिर्फ 1% है बॉडी में, जैसे कि ये जो ऑक्सीजन है ये 65% है बॉडी में, कार्बन जो है 18%, हाइड्रोजन 10%, और जो नाइट्रोजन है ये 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1%, इस तरह ये मिलके 99% बनाते हैं बॉडी को, 99% ये बॉडी के अंदर है। बाकी जो जो एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स लाइक
पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन है। ये जो एलिमेंट्स हैं, बायो 10 एलिमेंट्स जो है, ये कलेक्टिवली हैं और है सिर्फ 1%। जो पहले 6 है वो 99% बॉडी में, ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये बायो एलिमेंट्स जो हैं, ये बॉडी में 1% है। सो ये तो हमारा हो गया सब अटोमिक और अटोमिक लेवल। आगे हम बात करते हैं मोलिकुलर लेवल की। जो ये बायो एलिमेंट्स है ना, ये जब आपस में कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद जो है, ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन ये सेपरेट फॉर्म में नहीं होते। सेपरेट नहीं मतलब कि अलग अलग एलिमेंट नहीं होता, ये सारे आपस में कंबाइन होते हैं। और होते किसके थ्रू हैं ये? आयोनिक बॉन्ड के थ्रू या कवलेंट बॉन्ड के थ्रू। इन आयोनिक बॉन्ड के थ्रू या कवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन रहते हैं। और ऐसे जो ऐसे पार्टिकल्स जो कि इनको कंबाइन रखते हैं आपस में, और इनकी जो बायो एलिमेंट्स की कंबिनेशन है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जो पार्टिकल्स कंबाइन रखते हैं बायो एलिमेंट्स को, मतलब कि जो बायो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है, जो आयनिक बॉन्ड या कवलेंट बॉन्ड के थ्रू है, ये इनकी जो कॉम्बिनेशन है, ये एक मॉलिक्यूल बनाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये हमारी जो बॉडी में है, ये दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो के लो मॉलिक्यूलर वेट होता है जिनका। लो मॉलिक्यूलर वेट मतलब के लो मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं, लो मिकदार में जो होते हैं, कम मिकदार में या लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दी हैं, ग्लूकोज या वाटर। ग्लूकोज और वाटर ही जो है, ये हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो नेम से ही जाहिर, मैक्रो जो है जिनका के हाई मोलिकुलर वेट है, वो हमारी बॉडी में हाई मोलिकुलर वेट रखते हैं, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह हैं। ये जो है ये मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं। आगे हमारा जो लेवल आता है, वो आता है ऑर्गेनली एंड सेल लेवल का। मैं आपको बता दूं, जो बायो एलिम जो बायो मोलिक्यूल्स हैं, जो बॉडी के अंदर मोलिक्यूल्स होंगे, वो बायो मोलिक्यूल्स होंगे। और जो मोलिक्यूल्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर थाउजेंड, मिलियंस ऑफ बिलियंस मोलिक्यूल जो हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं। सो ये जो मोलिक्यूल्स हैं, आपस में जब कंबाइन करेंगे, असेंबल्ड होंगे, तो ये एक ऑर्गेनेली बना देंगे। जब ऑर्गेनेली बन गई है, तो जो ऑर्गेनेली है वो आपस में कंबाइन होगी, तो वो एक सेल बना देगी। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज में आपको बता दूं, ऑर्गेनेली जो होती है, हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है सेल के अंदर। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था, माइटोकॉन्ड्रिया है, या राइबोसोम है, या फिर आप क्लोरोप्लास्ट लगा लें, या साइटोप्लाज्म लगा लें, या फिर प्लास्टिड्स लगा लें। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, वो अलग हैं, प्लांट सेल के अंदर अलग हैं। प्लांट सेल के अंदर जैसे क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। और उसके बाद जो एनिमल सेल है, उसकी ऑर्गेनेलिस अलग डिफरेंट है प्लांट सेल से। जैसे कि यहाँ पे दो ऑर्गेनेलिस का मैंने जिक्र किया है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम का। जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ऑर्गेनेली है, इसका काम है कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करती है। जबकि राइबोसोम जो है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो है, ये बनाते हैं। ये तो होगी हमारी ऑर्गेनेलिस जो कि सेल के अंदर। दूसरी बात, ये जो ऑर्गेनेलिस, जैसे कि हम जाए ना, मतलब एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसके अंदर मजदूर काम कर रहे होते हैं। हर मजदूर को उसका अपना अपना काम दिया होता है। इसी तरह सेल के अंदर हर ऑर्गेनेली को उसका अपना अपना काम दिया होता है, कि राइबोसोम ने ये काम करना है, माइटोकॉन्ड्रिया ने ये काम करना है, क्लोरोप्लास्ट ने ये काम करना है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, उसने क्या काम, उसका जो क्या काम है, या उसके बाद दूसरा, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आ जाती है, लाइसोसोम्स वगैरह आ जाती हैं। सो ये जो है, ये ऑर्गेनेलीज हैं। फिर उसके बाद आगे मैंने दो टाइप्स यहाँ पे जिक्र किए हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए, उनके बाद जो है यूकैरियोट्स बने। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ एक सेल होता है,
और यूकेरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब कि बेशुमार सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमारे जो है बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं और दूसरा हमारे जो प्रोटिस्ट वगैरह आ जाते हैं, लेकिन यूकेरियोट्स में ऑल प्लांट, ऑल एनिमल्स, ऑल ह्यूमंस, उसके बाद ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई वगैरह आ जाते हैं। सो ये प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक सिंगल सेल पे ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है, लेकिन जो यूकेरियोट्स हैं उसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिसपे ऑर्गेनिज्म जो है रहता है, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये यूनि सेलुलर्स होते हैं। सो ये जो होगी हमारी ऑर्गेनेली और सेल लेवल। आगे बात करते हैं टिश्यू लेवल की। तो इसमें जो टिश्यू लेवल है इसमें जो है ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि जो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही सेल होता है, सो एक ही सेल पे ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल होते हैं जिन्होंने सेम फंक्शन परफॉर्म करना है, वो सेल क्या करते हैं, वो टिश्यू को बनाते हैं। वो सेल जो है आपस में अरेंज होते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल अरेंज होने के बाद वो क्या करते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू बन गया, ये सेल्स हैं ये टिश्यू के अंदर अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम भी कर रहे हैं जो कि टिश्यू से रिलेटेड है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो सेल है ये अपना अपना काम तो टिश्यू के अंदर कर रहे हैं, लेकिन वो काम भी कर रहे हैं जो टिश्यू से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो किस्म के जो है टिश्यू, प्लांट्स के टिश्यूज अलहदा होते हैं, एनिमल्स के टिश्यूज जो है अलहदा होते हैं। जो 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 प्लांट्स के टिश्यू होते हैं वो थोड़े से सिंपल हैं, लेकिन जो एनिमल के टिश्यू हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने दो दो एग्जांपल्स दी हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है एनिमल टिश्यूज में, और प्लांट टिश्यूज में एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि नर्वस टिश्यू है, इसका काम नर्व्स को मेंटेन रखना है, नर्व्स टिश्यूज, नर्व्स की उस मेंटेनिंग, और उसके बाद सिग्नलिंग वगैरह जो है इसमें आती है। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स के रिलेटेड जो टिश्यूज ने काम करना है वो एपिडर्मल, और ग्राउंड टिश्यूज में भी ये जो है प्लांट से रिलेटेड है कि इन्होंने प्लांट से रिलेटेड जो है काम करना है प्लांट टिश्यूज में। आगे बात करते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की मैं बात करूं तो इसमें ये है कि जब एक से ज्यादा टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन वन टाइप टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्गन बना देते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्टमक है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे ऑर्गन्स हैं और इनका अपना अपना काम है, इन्होंने अपना अपना काम करना है। जैसे कि हमारा स्टमक है, स्टमक का काम क्या है, इसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है और फूड स्टोर करनी है अपने अंदर, मतलब कि फूड आ रही है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, फूड जो है स्टोर करनी है। तो इसमें स्टमक में दो तरह के टिश्यूज हैं जो कि काम कर रहे हैं, कि मतलब उनका काम क्या है कि दो तरह के टिश्यूज हैं जो कि मिलके स्टमक को बनाते हैं, और उनका अपना अपना दो काम है। अच्छा, एक बात और भी है, जो टिश्यू जो फंक्शन करता है वही, मतलब दो टिश्यू अगर एक ऑर्गन के अंदर काम कर रहे हैं तो जो उनका फंक्शन होगा वही ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे दो टिश्यू हैं जो काम कर रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या है, इसने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है, और उस गैस्ट्रिक जूस ने जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है, और उसने क्या करना है, उसने प्रोटीन की डाइजेशन करनी है उस जूस ने। मतलब क्या है कि स्टमक के अंदर एपिथीलियल टिश्यू ने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है, और उसने डाइजेशन करनी है प्रोटीन की। लेकिन जो मस्कुलर टिश्यू है ये क्या करता है, ये स्टमक की वॉल्स को कंट्रैक्ट कर देता है ताकि जो स्टमक के अंदर फूड है ना उसको ग्राइंड किया जाए, ग्राइंड करने के बाद फिर उसे एक जगह पे स्टोर किया जाता है, ये काम है मस्कुलर टिश्यू का। सो ये दो टिश्यूज हैं जो कि मसल्स के अंदर काम करते हैं, और हर ऑर्गन के अंदर सेपरेट सेपरेट टिश्यूज काम करते हैं, और उनका जो काम है वो जो टिश्यू का काम होता है वही ऑर्गन का काम होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या चीज है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, जब जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिले लेकिन उनका फंक्शन
फंक्शन सेम ही होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, उनका फंक्शन सेम होता है, वो मिलके क्या बना देते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब कि अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करना, ठीक है। लेकिन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसका काम है रिस्पायरेशन में हेल्प करना, और मस्कुलर सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम का काम मसल्स में हेल्प करना है। सो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि उसने डाइजेशन करनी है, और इसमें बहुत सारे जो हैं ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी, हमारा माउथ है, इसने जो फूड है उसकी ग्राइंडिंग करनी है और उसे आगे लेके जाना है स्टमक में। उसके बाद आगे जाके फिर उसने लीवर, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाना है, फिर लीवर में जाना है, फिर जाके उसने पेनक्रियाज में। सो ये जो सिस्टम है ये इतने जो ऑर्गन कोऑर्डिनेट आपस में किए हुए हैं, ये जो सिस्टम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। मतलब कि सारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इनको मैं ऑर्गन्स को डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गन की कम्बिनेशन को हम ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। सो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडिविजुअल लेवल के बारे में। तो जैसे कि सेम वही चीज आ रही है कि बायो एलिमेंट्स मिले आपस में तो मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल बायो मॉलिक्यूल बना, बायो मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बनी, ऑर्गेनेल्स से फिर सेल बन गया, सेल से टिश्यूज बन गए, टिश्यूज की कॉम्बिनेशन से ऑर्गन, और ऑर्गन की कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद जब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जब ऑर्गन्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे, तो वो एक इंडिविजुअल बना देंगे, मतलब एक होल सिस्टम, मतलब कि एक इंडिविजुअल, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देंगे, लाइक ह्यूमन, लाइक प्लांट, लाइक एनिमल। ऑर्गन सिस्टम अगर ह्यूमन के मिल रहे हैं ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम, तो वो ह्यूमन बनाएंगे, या एनिमल के ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मिले तो वो एनिमल बना देंगे, जैसे प्लांट के मिले तो वो प्लांट प्रोड्यूस कर देंगे। ये है इंडिविजुअल सिस्टम। इंडिविजुअल सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब कि अगर तो जो एक ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अगर हाँ एक ह्यूमन एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज में सिर्फ एक ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, एक ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व नहीं कर रहा, उसमें दो तरह के ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम में मसल्स हमारे वर्क कर रहे हैं, मसल्स वर्क करने के साथ साथ रिस्पायरेशन सिस्टम भी हमारा यूज हो रहा है, जिसमें हम जो है रिस्पायरेशन प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें कि हमें ऑक्सीजन बार बार मिल रही है, हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज हो रही है, हमारा जो रिस्पायरेशन है वो तेज हो रही है, जिसकी वजह से हमें मसल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा फूड देनी पड़ती है ताकि मसल्स वर्क कर सके। इसका मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं, जब ह्यूमन वर्क कर रहा होता है तो उस दौरान उसके दो तरह के सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं, एक तो मस्कुलर सिस्टम और दूसरा रिस्पायरेटिव सिस्टम। जो मस्कुलर सिस्टम है वो काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा है, मसल्स की मूवमेंट हो रही है, मसल्स वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो रिस्पायरेशन है उसमें क्या होता है, उसमें पहले तो रिस्पायरेशन, हमारी सांस का जो प्रोसेस है वो तेज हो रहा है, साथ में हार्ट बीट तेज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्पायरेशन सिस्टम है वो मसल्स को फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहें। तो सो ये था हमारा इंडिविजुअल लेवल, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलने से एक होल इंडिविजुअल बनता है। सो आगे हमारा आता है जी पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में ये है कि डिफरेंट सेम टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो एक पॉपुलेशन बना देते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की पॉपुलेशन होगी, प्लांट्स की पॉपुलेशन होगी, एनिमल्स की पॉपुलेशन होगी। ये जो आपस में पॉपुलेशन मिलेगी, एक सेम टाइप की जो स्पीशी होगी, सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, और सेम टाइप पे सेम जगह पे वो लोकेट करेंगे, और सेम टाइम में, और मतलब एक ही जगह पे एक ही वक्त में एक ही स्पीशी रह रही होगी, एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म रह रहे होंगे, तो वो जो है वो पॉपुलेशन कहलाएगी। मतलब सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन लैदा है, प्लांट्स की पॉपुलेशन लैदा है,
एनिमल्स की पॉपुलेशन लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन लेता है, तो ये सारे जो है ये पॉपुलेशंस हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आ रही है, इसमें स्पीशीज के बारे में डिस्कस किया है। जो स्पीशी है ना, ये सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसका काम जो है, जो के कैपेबल ऑफ इंटरब्रेडिंग है और प्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफ स्प्रिंग, मतलब के इस जो एक स्पीशी जिसने एक ही नस्ल को आगे बढ़ाना है, एक ही नस्ल को, जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस ने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, जैसे कि एनिमल्स हैं उन्होंने अपनी नस्ल को, जैसे प्लांट्स हैं उन्होंने अपनी प्लांट्स को बढ़ाना है आगे। सो ये जो है ये हमारा पॉपुलेशन लेवल है। इसमें हैबिटेट भी आता है। हैबिटेट में ये है कि ऐसा एरिया जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा हो उसे हम हैबिटेट बोलेंगे। सो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन लेवल। उसके बाद मैं आपको कम्युनिटी लेवल के बारे में बताऊंगा। डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही जगह पे रह रही हो तो उसे हम कम्युनिटी बोलेंगे। मतलब कि कम्युनिटी लेवल ये है, डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पे रह रही हैं, प्लांट्स की भी, एनिमल्स की, बैक्टीरिया की, ह्यूमंस की, सारी पॉपुलेशंस एक ही जगह रह रही हैं, तो इस पॉपुलेशन को हम बोलेंगे कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल जिसमें कि एक पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, तो ये सारी जो है ना एक ही जगह पे जो रहने वाली पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहेंगी उसे हम कम्युनिटी बोलेंगे। उसके बाद लास्ट पे जो पॉइंट है वो है बायोस्फेयर लेवल। बायोस्फेयर लेवल में ये है कि जब सारी कम्युनिटीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो सारी कम्युनिटीज जो हैं वो एक ही जगह पे रहें, मतलब के तो वो जो है वो बायोस्फेयर कहलाएगी। मतलब के जो ये जो पूरी दुनिया है इसका पार्ट है, जिस जिस पार्ट पे जितनी जितनी कम्युनिटीज रह रही हैं वो सारा जो है हिस्सा जो है वो बायोस्फेयर, जैसे कि द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, जिस जिस जगह पे ऑर्गेनिज्म जो है और कम्युनिटीज आपस में रह रही हैं वो सारा जो एरिया है वो बायोस्फीयर कहलाएगा, जहां पे ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटीज वगैरह रह रही हैं। सो जो मैंने ये जो है ये पूरा एक बायोलॉजी का जो है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बारे में ये लेवल्स है ऑर्गेनिज्म के, जिसमें सारी ऑल टू ऑल जो है बायोलॉजी आ रही है, मतलब के ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म से आगे पॉपुलेशन बनती है, फिर कम्युनिटी बनती है, और फिर लास्ट पे जो है बायोस्फेयर यानी कि होल पूरी दुनिया बनती है। सो आज का हमारा टॉपिक ये था, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।